Allah الشياطين واعوذ بك رب يحزرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنه الدائمه الباقيه على ادائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد اوصيكم نفسي بتقوى الله وقال علي بن ابي طالب अलहला वसलाम अलमर व करीब उन व इसतहाबलील जुमे की इस गुफ्तु में सबसे पहले अपने नफ्स और आप सब को अल्लाह के तबे की तरफ़ दावत देते हुए इसलिए कि इलाही यानी इस बात की दलील है कि अल्लाह के निज़ाम पे हमको ईमान है एक तरफ़ से अल्लाह के निज़ाम पे ईमान है दूसरी तरफ़ से अल्लाह के बनाए हुए जो मौत हिसाब व किताब उन सारी चीज़ों पे हमको यकीन है जितना इंसान को निज़ाम पे ईमान होगा या जितना इंसान का ईमान मज़बूत होगा जितना मौत पे यकीन होगा उतने ही ज़्यादा इंसान का अमल खूबसूरत होगा अगर एक इंसान को कुछ पैसे दिए जाएं और उसके बाद ये कहा जाए कि आप से कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा तो उसका ख़र्च करने का अंदाज़ अलग होगा लेकिन अगर उसको ये मालूम हो कि इसमें एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा तो उसका ख़र्च करने का अंदाज़ अलग होगा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे इंसान को अगर इस बात का यकीन हो जाए कि बाद में इसके बारे में सवाल होगा तो यकीन उसका अंदाज़ बदल जाता है अल्लाह ने हमको ये ज़िंदगी दी अल्लाह ने हमको ये और जवारे दिए पूरा जिसम दिया अल्लाह ने ये सारी नमतें हमको अता की हैं इन सारी चीज़ों को देने के बाद उसने यू ही नहीं छोड़ दिया है रोज़ महशर हमसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा पाई पाई या बनवाने अलाह की जिसकी तरफ क़ुरान मजीद ने भी मुख्तलिफ जगहों पर इशारा किया और एक मिसकाल और जर्रे के बराबर हिसाब की बात की है कुरान मजीद ने लिहाजा वंदे मुताल हमसे हमारी ज़िंदगी के मुतालिक हिसाब लेगा हमारे ये जो पार्ट्स हैं आजा और जवारें हैं उनसे मुतालिक हिसाब लेगा हमको जो अल्लाह ने नमतें दी हैं चाहे वो जिस शक्ल में नमतें हों उन नमतों का हमसे हिसाब लिया जाएगा इन सारी चीज़ों का हिसाब अल्लाह हमसे हर वो चीज़ की जो हमारे रबिते में पैदा हो रही आ रही है जिनसे हम हमारा रबत पैदा हो रहा है अल्लाह हर चीज़ का हमसे हिसाब लेगा कि हमने ये चीज़ तुमको दी थी इस मकसद के तहत दी थी यही नहीं सिर्फ कि मसल तुमने कहाँ खर्च किया ठीक है चलो नहीं हमने तुमको ये चीज़ इस मकसद के तहत दी थी आया तुमने इस चीज़ को उस मकसद पे ख़र्च किया कि नहीं तुमने हमारे कहने के मुताबिक खर्च किया या मनमानी की ठीक है कि जहाँ पे हमको इजाज़त दी हुई हो कि तुम अपनी मर्ज़ी से कर लो लेकिन वो कहीं पे भी एकदम ओपन मर्जी नहीं है कि जो दिल चाहे नहीं उसमें भी एक दायरा है कि मतलब इस दायरे के अंदर तुम कर सकते हो बहुत ज़्यादा खर्च ना हो कंजूसी ना हो हराम चीज़ों में ना हो हराम तरीक़े से ना आए बहुत सारे हमारे पास शरात हैं उन शराइत के अंदर चाहे वो दौलत हो चाहे वो नेमत हो खाना हो पीना कोई भी चीज़ हो हर चीज़ के मुतालिक अल्लाह रोज़ महशर हमसे हिसाब व किताब लेगा लिहाजा अल्लाह की नेमतों को अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस बात का यक़ीन रखें कि रोज़ महशर हमको हिसाब देना पड़ेगा बाज़ा बहुत से लोग इस बात इस फ़लसफ़े के तहत बहुत मुतमईन होते हैं कि और उनकी ज़िंदगी की रविश ये होती है के हतीमकान कम नेमतों से इस्फ़ा करते हैं ताकि रोज़माशर कम हिसाब देना पड़े ये चीज़ भी अगर बैलेंस है तो ठीक है मसला मतलब कम इतना कम ना हो कि इंसान अपनी जो असल ज़रूरियात है उसमें पीछे आ जाए एक नॉर्मल हालत या जो है वो ऐसी वो हो कि जहाँ पे ज़िंदगी गुजारने में मशक्क़त हो मुश्किल हो जाए एक नॉर्मल हालात में अगर इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी जरूरियात को कम करके नमतों को कम इस्तेमाल करके तो बेहतरीन चीज़ है वो कि नमतों का कम इस्तेमाल करेंगे तो रोज़ मशर हमको कम हिसाबों किताब देना पड़ेगा बैलेंस होने के साथ साथ इतना भी ना हो कि बस इंसान दुनिया को ही तर्क कर दे इंसान जो माशरा है उसको ही तर्क कर दे गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार ले जंगल में नहीं ये भी गलत है या इंसान खाना पीने ही छोड़ दे तो ये गलत है ठीक है एक नॉर्मल तरीके से इंसान ज़िंदगी को गुजारे दूसरी तरफ से खूब अगर किसी के पास कहरन कमी है यानी खूब ठीक है उसके पास इतने इम्काना नहीं हैं तो जहाँ एक तरफ़ से एक महरूमी है गुरबत है खूब अच्छी चीज़ नहीं है ये इंसान कोशिश करे कि जो है वो उसकी ये महरूमी ख़त्म हो लेकिन दूसरी तरफ से यह है कि खूब जितनी नमतें उसके पास कम होंगी रोज़ महशर उसको उतना ही हिसाब कम देना पड़ेगा जिसके पास नमतें जितनी ज़्यादा होंगी रोज़ महशर उसको उतना ज़्यादा हिसाब देना पड़ेगा आइए इसके बाद अमीर बयान मौलए मुत्तकियान हज़रत अलीब ने अभी तलब आसलासलाम का कौल कि जिसमें इमाम फरमाते हैं अल अमरु व वल व इस्तली यानी अमर के जो मानी है वो क़ुरान मजीद में भी इस्तेमाल किया गया इस लफ्ज़ को मौत के मानी में है अमरु वीबुन यानी मौत या आखरत करीब है वह कली और जो दुनिया का साथ है जो दुनिया की सोहबत है ये बहुत मुख्तसर है। ये बहुत अहम इमाम का कलाम है बहुत मुख्तसर है कलाम भी ये लेकिन इंसान की ज़िंदगी पे बहुत असरअाज़ हो सकता है इंसान दुनिया को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल में होता है क्या करेंगे कैसे करेंगे ये है वो है सब कुछ जमा बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम हमको मतवज कर रहे हैं कि देखो इंसान की उम्र बहुत कोता है बहुत थोड़ी सी है इस माने में भी कोता है कि खूब हमको नहीं मालूम कि हम अगले लम्हे ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे कभी भी मर सकते लिहाजा कभी भी हमारी उम्र ख़त्म हो सकती है खूब किसी को यकीन नहीं है किसी को मालूम है कि उसकी उम्र मसला नबी कितने साल बाद तक है किसी को नहीं मालूम किसी लम्हे भी इंसान की जान निकल सकती है दम निकल सकता है रूह परवास कर सकती कभी भी इंसान मर सकता है और अगर जिसे नॉर्मल जिंदगी, ज़िंदगीमूम कहा जाता है उस एतबा से भी इंसान जी रहा है तो भी बहुत ज़्यादा नहीं है उस जिंदगी के मुकाबले में कि जो हमेशगी की ज़िंदगी कई सौ साल नहीं हमेशगी की ज़िंदगी है कई हज़ार साल नहीं है हमेशगी की ज़िंदगी है उसके मुकाबले में अगर इंसान पचास साल साठ साल सत्तर साल अस्सी साल जी रहा है तो ये साठ सत्तर अस्सी साल बहुत कम है बनस्बत उस ज़िंदगी के कि जो इसके बाद इंसान जीने वाला है जहाँ पे उसके बाद इंसान रहने वाला है तो अगर इंसान ये पचास साल साठ साल सत्तर साल की अगर मैक्सिमम इतनी ज़िंदगी जी लेता है अगर इस ज़िंदगी में आमादगी कर ले वहाँ के लिए तो यही इंसान का बेहतरीन सरमाया होगा तो बहरहाल मौला यहाँ पे हमको मतव्य कर रहे हैं कि तुम्हारी जो मौत है वो बहुत नज़दीक है अल-अमरो करीबुन, वल इस्तेहाबो कलील और ये जो दुनिया की सोहबत है ये बहुत मख्तसर है दाक़ी ये वो हकीकत है कि जो इल्म हम सब जानते हैं ऐसा नहीं कि हम में से कोई ऐसा हो कि जिसको ये ना मालूम हो कि हमारी ज़िंदगी हमेशा नहीं रहने वाली है मौत आने वाली है ऐसा भी नहीं है कोई कि जो ये कह सके कि नहीं हम मसलन यकीनन कहते हैं कि दस साल अभी और जी जियेंगे है कोई ऐसा पाँच साल कोई और जियेंगे दस दिन अभी और जियेंगे कोई कह सकता है कोई नहीं कह सकता कोई भी यकीनी तौर पे नहीं कह सकता है कि हम दस दिन और जियेंगे दस मिनट के लिए कोई दावा नहीं कर सकता दस सेकेंड के लिए कोई यकीनी तौर पर दावा नहीं कर सकता है लिहाजा अगर इलम के से देखें तो हम सब को मालूम है कि हमारी मौत भी यकीनी है और हमको इस बात का भी इल्म है कि मौत कब आ जाए ये हमें नहीं मालूम हो सकता है, अगले लम्हे आ जाए इल के साथ साथ इसी यही जो थ्योरी है इसके असरात भी हम दुनिया में देखा करते हैं आए दिन हर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई जनाज़ा कोई ना कोई जिसम ऐसा होता है कि जो चार लोगों के कंधों पे कुछ लोगों के कंधों पे कुछ लोग तशी करते होते हैं और बिलखसूस अभी जिन हालात से हम गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं हम लोग इस वबा के ज़माने में आए दिन कितने लोगों के इंतकाल की खबर सुनी अलहमदिल्ला अभी हालात पहले से बेहतर हैं अल्लाह मज़ीद हालात को बेहतर करें जो लोग मरीज हैं उनको जल्द अज जल्द शिफ़ा अता करें जो लोग इस दरमियान हमारे दरमियान से रुखत हो गए हैं अल्लाह उनकी मफ़रत करें उनके दर्जात को बुलंद करें उनको अहल बैतार अल्लाम के जवाब में जगह इनायत फरमाए लेकिन इस बीच हमने देखा कि आए दिन किसी न किसी के मौत की खबर इन हालात को अगर आप हटा भी लें वबा के हालात को तब भी अक्सर ये देखने में आता है फ़लाँ के घर में फ़लाँ के भाई का इंतक़ाल हो गया फ़लाँ के वाल का इंतकाल हो गया फलाँ की वालदा का इंतक़ाल हो गया फ़ला के फलां रिश्तेदार इंतक़ाल हो गया उनके पड़ोसी का इंतक़ाल हो गया तशी में भी जाते हैं शिरकत करते हैं तो हर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई जनाजा कोई ना कोई जिसम कोई ना कोई पैकर ऐसा होता है कि जो लोगों के कंधों पर होता है और उसको कब्रस्तान की तरफ ले जाते हैं कब्र की तरफ ले जाते हैं उसको दफन करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो कल हमारे बीच में थे और आज नहीं है हमको उनकी कमी भी महसूस होती है कल वो हमारे दरमियान थे आज नहीं है हमें उनकी याद भी आती है फ़लाँ साहब थे उनका इंतकाल हो गया फ़लाँ साहब थे चाहे इन वबा के हालात में आप देख लीजिए वबा से हट के देखिए फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाज़ात लोग जो हैं वो आ, हादसाती मौत का शिकार हो जाते हैं बाजात लोग बीमारी और इन सारी चीज़ों की वजह से बाजात लोग ये बारगी रुखसत हो जाते हैं तो बहरहाल इस तरह के हालात और मुश्किल सामने आते हैं ये लोग हमारे दरमियान से रुखसत हो जाते हैं हमको उनकी याद आती है उनके असर हैं कि जो उनको ज़िंदा रखते हैं याद दिलाते हैं बहुत सारी चीज़ें लेकिन बहरहाल एक कमी महसूस होती है ये बार बार हमारे दरमियान से लोगों का रुखसत हो जाना लोगों का इंतकाल हो जाना लोगों का चले जाना ये हमको उसी मौत की तरफ तोज्जो दिलाता है और ये एक पूरी गुफ्तु है किसी मौके पर हमने सवाब की किसी मजलिस में ये बात अर्ज़ की थी कि जो अल्लाह ने कहा है कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करो जनाजे में नमाज़ जनाजा में तशी में फुला में फ़ुला में तो हम ये नहीं सोचें कि इससे मरने वाले का ही फ़ायदा है ठीक है कि हम उसको इस साल ब करेंगे और उसको ज़्यादा नहीं उसके साथ साथ हमारा भी फ़ायदा है हम ये सोचें तसवुर करें कि जिस तरीके से आज ये दूसरों के कंधे पर है या हमारे कंधे पर कल हम किसी और के कंधे पर होंगे आज इसको गुसल दिया जा रहा है कल हमको दिया जाएगा आज इसको जनाजा आज इसको कफ़न पहनाया जा रहा है कल हमको पहनाया जाएगा आज इसको कब्र में उतारा जा रहा है कल हमको उतारा जाएगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम किसी मुर्दे के हालात को किसी मैयत के हालात को देखेंगे किसी जनाजे के हालात को देखेंगे तो शायद हमारे जहन में ये क्लिक हो जाए कि जो हालात इसके साथ हैं यकीन वो कल इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे साथ नहीं होने वाले हमको नहीं मानना है यकीन वो हमारे साथ पेश आने वाले हैं लिहाज़ा हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम उस मौत के लिए अपने आप को आमादा करें लेकिन बहरहाल इल्म के बाद अमली एतबार से आया हमारा अंदाज ज़िंदगी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा वही है खूब वो लोग कि जो हमसे मुतालिक हैं या थे जब इस दुनिया से रख्सत हुए या उनको इंतकाल हुए कैसा हो गया हम बाज़त उनकी ख़बरों पर जाते हैं खूब यकी मालूम है कि इन खबरों में मिट्टी के नीचे ख़ाक के नीचे उनके जिसम की सिवाए हड्डी के कुछ नहीं है जिसम तो क्या बचने वाली चीज़ है माले दुनिया में से क्या ले गए वो दुनिया के इन सारे लवासमात से क्या अपने साथ ले गए मौला कानात हज़रतलीब ने अभी तलेबल ने ख़ुद इसके अलावा भी मौत से मुतक़ और मख्तल जगह पर बास चीज़ें पेश की हैं। हम उसमें से एक आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि एक जगह पे एक हमत में एक सौ बाईस नंबर की है मौला फरमाते हैं इन हालात के मुतालिक कान मौत फ़ी अला गैर ना कुतवा हमारा बिहेव ऐसा होता है कि जैसे मौत हमारे अलावा किसी और के लिए लिखी गई है हमारे लिए नहीं है इतना सब देख के भी हमको मौत नहीं आ इसी का नाम गफलत है अपनी मौत से काफिल हैं हम अपने हिसाब व किताब से गाफिल हैं हम रोज़े मशरत से गाफिल हैं हम अपनी कब्र से गाफिल हैं अजाब कब्र से गाफिल हैं अगर गाफिल नहीं हैं तो फिर आमादगी लिहाजा वो लोग कि जो अपनी मौत की अपने कब्र की अपने हिसाब व किताब की आमादगी किए हुए हैं यकीन वो गाफिल नहीं है यह आमादगी करने की कोशिश कर रहे हैं और तो यकी तौर पर नहीं कोई कह सकता कि बस हमने आमादगी कर ली हो काफ़ी ऐसा नहीं लिहाजा हर इंसान की पूरी ज़िंदगी कोशिश में ही गुजरेगी लिहाजा जो लोग कोशिश कर रहे हैं वाकई मानों में सही मानों में तो वो गाफिल नहीं है लेकिन अगर लोग याद नहीं हैं और बस उन सब के बावजूद भी खुदा नखास्त गुनाह सब हो रहा है उनसे खुदा न खास्ता हकूक़ नास पायमाल हो रहा है किसी की ख़ीबत किसी के तहमत किसी पर इल्ज़ाम किसी का हक गसब कर लेना किसी के ऊपर कोई भी छिटाबाजी कुछ भी कर देना इस तरीके से माले दुनिया में से माली हक उसका गजब कर लेना छीन लेना मार लेना अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब कि हमें मौत नहीं याद है हमें हिसाब व किताब नहीं याद है हमें अल्लाह नहीं याद है जनाजों में शिरकत करने के बावजूद भी हमें ये सारी चीज़ें हैं, याद नहीं हम भूल गए काफ़ी में रसोल्ला सल्ला वम से एक रवायत नफल की गई है कि आपसे सवाल किया गया सुला सवाल किया गया आप हज़ार आप आन हज़र सल्हल्म से अयलमुमी अक्स ममिन में से सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझदार होशियार कौन लोग हैं तो रसल फरमाते हैं अक्सर हम जिक्र ललमौत वो लोग सबसे ज़्यादा समझदार और होशियार हैं कि जो सबसे ज़्यादा मौत को याद रखते हैं हर लम्हे मौत को इंसान याद रखे तब यह गुफ्तु आपसे कर रहे हैं तो हमें मौत को याद रखना चाहिए कि मरने के बाद यह गुफ्तु किस उनवान से हमारे सामने पेश आएगी कोई भी काम इंसान करे हिसाब व किताब मौत अल्लाह अलग ये सारी चीज़ें अलग नहीं है अगर इंसान के अंदर लिल्लाहियत है और अल्लाह है तो जाहिर सवाल सारी चीज़ें खुद खुद उसके साथ है तो मौत हमें रसूल फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा होशियार कौन है कि जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करे वह अशद्द लहू इसत और सबसे ज़्यादा वो नहीं, सबसे ज़्यादा होशियार वो है कि जो अपने आप को मौत के लिए आमादा करे इस्तेदाद पैदा करे अपने मौत के लिए अपने आप को एक और हदीस है की जिसमें इमाम अलीबुल हसैन से रवायत है इमाम फ़रमाते हैं कि आजबन कुलजब लेमन यरा मई यमू तो कल्लाउमिन वलिला इमाम कहते हैं बहुत ताजुब है अलजब आज़ब, अजब कुल्लाजब ताजुब है बहुत तजुब है हमको उस इंसान पे उन लोगों पे कि जो अमली अमल यहाँ पे अनकरल मौत यानि अमलन मौत का इनकार करते हैं ज़बान से तो कोई इनकार नहीं करता जबान से कौन इनकार करेगा अमली एदवा से मौत का इनकार करते यानी अपने आप को मौत के लिए आमादा नहीं करते ये इमाम अली इब्न हुसैन आल्लाम तो का कौल है यानी इमाम सज्जाद्लम इमाम सदालाद्दीन आल्लाम तो का कौल है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा तजुबुब होता है उस इंसान पर कि जो अमली एदवा से अपने मौत का इनकार करता है यानी क्या मतलब अपने आप को मौत के लिए आमादा नहीं करता है जबकि वो हुआ यरा मैं यमू तो्ला योमिन वलैला हर दिन और रात किसी न किसी को मरते हुए देखता है लोगों को मरते हुए देखता है खूब हर रोज़ कोई ना कोई मर रहा है इंतकाल हो रहा है हम देख रहे हैं कि जाने के बाद उसके साथ क्या जाएगा सिर्फ़ आमाल जाएंगे जो कुछ उसने जमा किया है जो कुछ कुछ नहीं जाएगा उसके साथ जो भी उसने इंतज़ाम किया है कुछ नहीं जाएगा उसके साथ जो कुछ भी साथ जाएगा सिर्फ़ उसके अमाल जाएंगे उसका किरदार जाएगा जो उसने अल्लाह के लिए किया है सिर्फ़ वही साथ जाएगा लिहाजा बहुत ताज्जुब है उस इंसान पे कि जो शबरोज़ रोज़ लोगों को मरते हुए देखता है लेकिन अमला मौत से इनकार करता है और आगे इमाम फरमाते हैं वल अजब्लजब लेकर नशा तल उखरा व हुआ यारा नशा तल उला और हमें बेनतहा तजुब है उस शख्स पे कि जो आखरत का इनकार करता है जबकि इस दुनिया में आखरत की निशानियों को देखता है खूब दुनिया में बहुत सारी निशानियाँ हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आखरत का इनकार करता है यकीन हमें हर एतबार से मौत के लिए आमदगी करनी चाहिए बाज़ात हम दुनियादारी में और दुनिया को जमा करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि जो हमारी असल ज़िंदगी है उससे गाफिल हो जाते हैं ठीक है अल्लाह ने नमतें दी हैं उसको एक हद तक जमा करने का भी हमको हक़ हाँ है लेकिन बाज़ात हम लोग इतना ज़्यादा उसके पीछे पड़ जाते हैं माले दुनिया के पीछे दुनियावी वाहवाही के पीछे दुनियावी चीज़ों के पीछे कि आखरत और आकबत हमारे जहन से निकल जाती है फरामोश हो जाती है ऐसी सूरत में अगर हम मौत को भूल जाएंगे तो यकीन हमारी आकेबत खराब होने वाली और सिर्फ आकबत नहीं खराब होती जब इंसान की आखबत खराब होती है तो दुनिया भी ख़राब होती है ये और बात है कि बाज़ अवत हमको उसका एहसास नहीं होता बाज़ गुफ्तु में से पहले हमने ये बात अर्ज़ भी की है शायद कि बाज़ बाज़ात जो हमारे आस पास इर्द गिर्द चापलूस किस्म के लोग होते हैं और वाह वाहि करने वाले होते हैं वो हमको एहसास नहीं करने देते हैं बाज़ बाज़त ये वाह वाही करके हमको गाफिल कर देते हैं ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए हो सकता है कि वो आमदन नहीं कर रहे हो वो जानबूझ के नहीं कर उनका मकसद कोई गलत ना हो लेकिन हमारे लिए ख़तरनाक है वो हमारे आसपास होने वाले लोगों को हमारे लिए आईना होना चाहिए आईने का काम क्या है कि जैसे हैं हम वैसे दिखाएं। अगर कोई दाग है चेहरे पे या हाँ, कहीं पे जिस्म पे तो दिखाए आईना हमको अगर साफ़ है तो साफ दिखाए आईने का काम ये नहीं है कि खराबियों को छिपा ले और छाइयों को दिखा दे क्योंकि ये हरकत इंसान को गाफिल बनाती है और जो इंसान मौत से गाफिल हो जाए वाकई तबाही बर्बादी और हलाकत की तरफ जाता है लिहाजा आए दिन हमारे दरमियान होने वाली मौत हमसे जो हमारे अजीज़ अकारीब बिछड़ते हैं ये हमको बहुत कुछ एहसास दिलाते हैं ये एहसास दिलाते हैं कि हम अपनी आखरत और आकबत की तैयारी करें इमाम इसी बात को दो लोटे छोटे जुमले एक छोटा जुमला है जिसमें दो छोटे छोटे जुमले उसमें इमाम बहुत वाज तरीके से इशात फरमा देते हैं मौत नज़दीक है और ये दुनिया या यूँ कहा जाए कि जो दुनियावी ज़िंदगी है ये बहुत ज़्यादा नहीं है बल्कि बहुत कलीद है बहुत मुख्तसर है तो आइए इसके बाद जो इस हफ्ते के मुनासिबात हैं उसमें सबसे पहले आने वाली तारीख ग्यारह जी कादा हम सबके आठवें इमाम इमाम अली नमूसा और रज़ा असला तो सलतम की वातबासत की तारीख है इमाम अली रजा अल्लम ने आ, हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनी सीरत और अकवाल के शक्ल में पेश की अगर इमाम की उन सीरत के जो पॉइंट्स हैं उनको हम अपना लें हया कर लें जिंदा कर लें तो यकी आने वाली ज़िंदगी और ये दुनिया हमारे लिए बहुत खुशगवार हो जाएगी ना ये कि हमारे लिए दूसरों के लिए भी और एक अच्छा माहौल होगा इमाम के अखवाल को अगर हम अपना लें एक चीज़ जो बाज़ात शायद हमारे जहन में भी ना हो लेकिन अमला दिखती है हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे इमाम की सीरत है जो हमारे इमाम के अखवाल हैं वो सिर्फ शीयों से मखसूस है ये हमारी गलत फहमी है हमारे इमाम की सीरत या हमारे अम्मा की सीरत बारा इमामों की सीरत हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वम की सीरत हमारे मासूमीन की सीरत ये सिर्फ़ शियों में महदूद और शियों से मखसूस नहीं है ये सिर्फ हती मुसलमानों से मखसूस और महदूद नहीं है ये लोगों के लिए है सिवा कुछ ख़ास पॉइंट के कि जो आ, बहुत ही कम तशो के लिए है इसलिए कि वो बाज मजहब से मतलब चीज़ें उसमें बयान होती हैं वरना हमारे अम्मा देखें अम्मा ने जो ज़िंदगी पेश की है वो एक नॉर्मल जिंदगी है दुनिया में इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारे किस तरीके से दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए तो यह सबके लिए है रज़ाम यहाँ पे इमाम अलीब ने मसाद जल्द का एक कौल आप के सामने नकल करते हैं यकीन सबसे पहले हमारे लिए और फिर हम सब के लिए इन शह मुफ़ी साबित होगा और हम इससे एक बहुत अहम दरस लेंगे इमाम फरमाते हैं अल्लाहु अबदन अहिया अमराना अल्लाह रहम करे उस बंदे पे कि जो हमारे अमर का अहिया करे हमारे अमर को ज़िंदा करे उस पर रहम करे अभी कहता कुल तुमने तो, कहा कैफ़ा योगी अमर को अमर मौला हम आपके आमद को कैसे जिंदा करें? क्या तरीका है आपके आमद को जिंदा करने का? काला इमाम फरमाते हैं या तो हमारे उलुम को सीखो तालीम हासिल करो व यो अल्लमुहा नासा और हमारे उलुम को लोगों को सिखाओ नास यानी किसी मुसलमान हों लोगों को सिखाओ फाइन ना नासा लाओ अल्लमुहा कलाम ना अगर लोग हमारे कलाम के महासिन अच्छाइयों और को खूबसूरती को जो है उसकी वो पहचान लेंगे जान जाएंगे लत तो हमारा इतबा करेंगे ये हदीस वसालुशिया में जिल नंबर सत्ताईस सफ़ा नंबर नाइन्टी टू पर मौजूद है वसालुशिया वॉलीम ट्वेंटी सेवन और पेज नाइन्टी टू इमाम जो हमको हुक्म दे रहे हैं और इमाम के हुक्म के मुताबिक जो बहुत अहम पॉइंट हमारी ज़िंदगी में है और ये करने वाले पे अल्ला कह रहे हैं इमाम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उस पर रहम नाजिल करे क्या इमाम कह रहे हैं कि उलूम कि़ल मोहम्मद को हम लोग सीखें पहली ज़िम्मेदारी क्या है कि हम लोग आल मोहम्मद को सीखें लिहाजा वो लोग कि जो ओमू आल मोहम्मद को सीख रहे हैं वो इमाम की इस दुआ के मुताबिक अल्लाह के रहम के शामिल हाल है और जो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं वो महरूम है फिर तो उसका दूसरा मरला कि लोगों को नास लोगों को सिखाओ बात हम लोग अरे ये क्या ज़रूरत थी कि मस हर जगह मज़हब को छेड़ा जाए हर जगह दीन को छेड़ा जाए हर जगह दीन की बात क्यों कोई छिपाने वाली चीज़ है अच्छी चीज़ नहीं है कोई ऐबदार चीज़ है हाँ अब ये एक अलग मसला है कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है किस तरीके से पेश किया जाता है वो एक अलग मसला है वो हमारी कोताही है कि अगर हम सही से पेश ना कर पाए हम सही से प्रेजेंट ना कर पाए तो ये हमारी कमी है ये हमारी प्रॉब्लम है लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी का मतलब ये कि हम वो तरीक़े ढूँढें किस तरीके से आल मोहम्मद को लोगों के सामने पेश करें अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीक़े से लोगों के सामने पेश करें ताकि हदल लोग उस पर फिक्र करने ए, की जहमत करें या ए, इस हद तक जो है वो उसको कबूल करें कि उस पर ग़ौर फिक्र करें इस हद तक पहुँचा देना ये हमारी ज़िम्मेदारी अगर हम उनको दावत फ़िक्र दे देते हैं उनके सामने ूम आल मोहम्मद को पेश कर देते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है अब इसके बाद उनके दिल में वो बात उतरती है नहीं उतरती है दिल लड़ पड़ता है नहीं पड़ता है सीखते हैं नहीं सीखते हैं अपनाते हैं नहीं अपनाते हैं इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ उनके पास जो एक लॉजिक और कॉमन सेंस वाली ताकत है जो उनके अंदर एक सलाहियत पाई जाती है वो उस पर डिपेंड करता है जो उनके पास अपनी अकल है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें अल्लाह की भी मदद शामिल हाल होती है अल्लाह की तोफ़ीक़त शामिल हाल होती है और फिर उसके बाद अगर उनकी ये बात समझ में आ जाए तो और यकीन आएगी क्योंकि इमाम कह रहे हैं कि अगर वो हमारे कलाम के महासिन को अच्छाइयों को पहचान लें जान जाएं ला तो हमारा इतवा करेंगे यकीन हम अपने मकसद को पालेंगे इसी के साथ साथ अशरय करामत है कि जो चल रहा है और अख्तितम की तरफ है हमने इससे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज की थी ये बात कि किशरा करामत में हम करामत इंसानी को हासिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें करामत इंसानी यानी यानीत इज़्ज़त इंसानी इंसान का एहतराम और इसका रास्ता इसका तरीक़ा तक इलाही के अलावा कुछ और नहीं है क्योंकि दुनियावी एतबार जिसको हम समझते हैं इज़्ज़त लोगों की वाहवाही लोगों की जो है वहाँ हजूरी कि अगर वो तकवे से हट के किसी और रास्ते से मिल रही है तो ये वाकई इज्जत नहीं है धोखा है जिस तरीके से रेत बाज़त दूर से दिखती है तो ऐसा लगता है कि पानी है जब नज़दीक जाओ तो मालूम होता है कि पानी नहीं है रेत है इसी तरीके से वो दरवाही एक, एक ऐसी चीज़ है कि जो नहीं होती है लेकिन दिखती है इसी तरीके से ये इज्जत है कि जो दरवाके नहीं है लेकिन दिखती है अगर तकवे की बुनियाद पर ना हो लेकिन अगर तकबे की बुनियाद पर है तो हकीक़त है वलों लोगों को ना दिखे किसी के दिखने और ना दिखने से हकीकत ख़त्म नहीं हो जाती है हकीकत हकीकत रहती है लहजा इस इस अशर करामत में इमाम रजा आलाम और आपकी खहर मासूम क़म सलाम की सीरत और किरदार के ज़रिए से हम करामत इंसानी को इज्जत इंसानी को और उसके रास्तों को हासिल करने की कोशिश करें मौजूदा जो हालात हाजरा हैं उनमें कई चीज़ें हैं देखें जो बातें हो सकती हैं हम आपकी खिदमत पेश करते हैं सबसे पहले सऊदी हुकूमत ने एक मरतबा फिर हजब दस्तूर अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक शिया नौजवान जिसका नाम मुस्तफ़ा बिन हाशिम है उसको फांसी की सज़ा दी है 2015 में इस नौजवान को अरेस्ट किया गया था और जेल में बेनतहा इस पर तशद हो रहा था बेनतहा इस पर तशद्द किया गया है जुल्म किया गया है तब तो वाक़ अगर देखा जाए तो थोड़ा एनालाइज किया जाए तहलील की जाए गहराई के साथ देखा जाए तो ये भी एक तरह का आतंकवाद है अगर क्रिमिनल माइंडेड लोग गलत किस्म के लोग इकतदार तक पहुँच जाएँ और इकतदार को वसीला बना के बेगुनाहों को मारने लगें कानून को बहाना बना के बेगुनाहों को मारने लगें तो ये भी एक तरह का आतंकवाद होता है सऊदी हुकूमत चीज़ छुपी नहीं है इससे पहले भी कितने बेगुनाहों का कत्ल किया है इल्ज़ाम लगाया है जाहिर सी बात है फिर अपने हिसाब से फैसले अपने हिसाब से सारी चीज़ें और उसके बाद जो है वो सजाए मौत खुद जमाल खा वाले कत्ल की पूरी दास्तान हमारी निगाहों के सामने है खूब अगर उसको इंसान आतंकवाद नहीं कहेगा तो क्या कहेगा उसको वो सऊदी हुकूमत की जो न मुसलमानों की हिफाजत मसला सिर्फ तशैय का नहीं है क्योंकि इनकी एक बुनियाद है कि वो शिया-सुन्नी में खिलाफ़ पैदा कर लिहाजा इस तरह काम कर रहे हैं मसला सिर्फ तशैय का नहीं है क्योंकि बानवानी शिया वो इनको मार रहे हैं इन जवानों को जो फांसी दी या तो शेख नमल को फांसी दी या ये जो जवान है इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई फांसी दी गई मुस्तफा बिन हाशिम खूब जिन लोगों को यमन में मार रहे हैं वो कौन से हैं फिलिस्तीन में जिन लोगों के कत्ल पर राजी हैं और जिसके जिन लोगों के कत्ल के अगेंस्ट में मुकाबले में इसराइल के गोद में बैठे हुए हेल्प कर रहे हैं खूब वो कौन से हैं ये सऊदी हुक्मरान सऊदी हुकूमत अगरचे बज़ाहिर मुसलमानों के कत्ले आम से राजी है उसमें शरीक है दरवाके वो इंसानियत के अगेंस्ट में है इनके अंदर इंसानियत नहीं है इनको अपने अहदाफ चाहिए अपने मकासद चाहिए उन अहदाफो मकासद के लिए ये किसी की भी जान की कुर्बानी दे सकते हैं फलस्तीन के मामले पर चुप रहना पड़ेगा चुप रहेंगे यमन के मामले पे जंग करके कत्लेआम करना पड़ेगा लोगों को कत्ल कर देंगे लोहा वालों को कितनी चीज़ें हैं कि जिनसे उन लोगों ने महरूमियत अपने मुल्क में हलाल मोहम्मदी को हराम मोहम्मदी को रैज करना पड़ेगा राज कर देंगे हलाल के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा चले जाएंगे किया है सब वो कर रहे हैं तो अपने जो उनके बातिल ही सही अहदाफ हैं उनको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और वो कर रहे हैं मुसलमानों को चाहिए कि Uh, सऊदी हुकमरान को पहचाने और पहचानने के बाद जो एक इस्लामी वारिस और इस्लामी सेंटर के ज़िम्मेदार केनुवा से देखा जाता है उस पर ग़ौर फिक्र करना चाहिए आया इन सफ़ात का हामिल वमालिक जो कभी भी कहीं भी दीन को इंसानियत को बेच देता है वो हज में मुसलमानों के साथ कितनी खयानत करता होगा यह कर रहा है और बसीरत की निगाह देखा जाए तो वो भी समझ में आता है लिहाजा उनकी इस पॉलिसी की भी हम हमज़ोर मजम्मत करते हैं बिलखसूस ये जिस नौजवान को फांसी की सज़ा जिस मौत की सज़ा सुनाई गई है इसकी भी हम हमज़ोर मजम्मत करते हैं और सारे मुसलमानों को दावत देते हैं कि वो आएँ और हक़ की हमायत में आवाज़ उठाएँ कनाडा में इससे पहले भी एक मसला पेश आया था कि एक फैमिली के कुछ अफराद को कत्ल किया गया अभी फिर एक दूसरा मसला सामने आया कि जिसको ये कह सकते हैं कि इस्लामोफोबिया के लिए के रास्ते में ये बातें हो रही हैं वो ये कि दो लोगों ने एक मस्जिद में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की एक मर्द और एक औरत और बहरहाल उनको निगाह से देखेगा पूरा एक मामला है लेकिन ये मुस्किल और मुसलसल एक पे एक इससे पहले भी हमने बात आज की थी कि क्यों ऐसा किया जा रहा है क्या वजह है इसके पीछे रीज़न क्या है अहदाफ क्या है किन अहदाफ के तहत ये किया जा रहा है ये गौर वफ़िक्र करने की ज़रूरत है एक मतवा हुआ और फिर दोबारा ये हुआ तो आखिर इसके पीछे मकसद क्या है हदफ क्या हो सकता है और यह जो एक मुसलसल सिलसिला चल रहा है कि लोगों को इस्लाम के खिलाफ बहकाएँ और गलत लोगों के दरमियान इस्लाम की तस्वीर पेश करें बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये जो वाक़ होते हैं ये उसमें मददगार साबित होते हैं बिलखसूस कि जब मीडिया इसको ग़लत अनुवान से पेश करता है मीडिया की ख्याल अपनी जगह पर है कि मीडिया ने नहाय खयानत से काम लिया है खूब आखिर में अगरचे और भी बात चीज़ें हैं लेकिन एक उस पर पे बात पेश करते हैं जैसा कि आप सबको मालूम है कि इलेक्शन में नेतन्याहू को शिकस्त मिली और उसी के साथ साथ उनको अहदा छोड़ना पड़ा वो एक पूरी तफसीली कहानी है एक उसके पीछे बैकग्राउंड है किसके कि इसके पहले कितने लोग गुज़रे क्या गुज़रे कैसी है वो एक अलग दास्तान है नीतन याहू का अहदा छोड़ने का मामला ये पूरी एक दास्तान है किसी इतनी आसानी से वो अहदा छोड़ने पर राजी नहीं था मजबूरन छोड़ना पड़ा उसके बाद भी अभी अड़चने और मुश्किलात पेश आ रही हैं चार दिन के लिए जब किसी को इकतदार मिलता है तो अपनी औकात भूल जाता है ख़त्म हो गया हटा दिया गया इतना सब कुछ जो इतना जुल्मतम इतनी मुसीबतें सब कुछ अपने सर पे लिया अब किस काम का किस उहदे के लिए जो चार दिन के लिए मिला था बेगुनाहों का कत्ल ये सारी चीज़ें किस लिए चार दिन के लिए ख़त्म हो गया सिलसिला अभी किसी और के जिम्मे, किसी और के हाथ में और बनुान हुकूमत जो एक दूसरा वाक़ है कि जायनिज्म का जो फ़्लैग मार्च था फिलिस्तीन में खुद के पास वो भी बुरी तरीक़े से नाकाम हुआ है और उसकी नाकामी ख़ुद फिलिस्तीनियों की एक पुरजोर कामयाबी है फिलिस्तीनियों ने उनको मना किया था चैलेंज किया था लिहाजा उन लोगों ने अपना रास्ता बदला बदल के कुछ के दूर से गए बदल मुक़दस के दूर से गए खूब यह इस बात की दलील है कि उनको मालूम है कि फिलिस्तीनियों में कितनी ताकत है और क्यों नहीं मालूम अभी कुछ दिन पहले तो वो मैदान छोड़ के भागे कुछ दिन पहले ही तो वो फिलिस्तीनियों के मुकाबले मैदान छोड़ के भागे तो उनको मालूम है कि फ़िलिस्तीनियों के पास कितनी ताकत है कितना पावर है अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो कर सकते ये बात देखें बहुत अहम नुकता है ये कि जिसको हम समझें कि वो लोग जो हक़ के रास्ते पर चलते हैं ये बाज़ हुकूमतें हैं आए दिन कुछ ना कुछ ये कर देंगे वो कर देंगे वो करते कुछ नहीं करते कुछ नहीं बाज़ इनकी मिसाल दी गई उस मच्छर की जैसी है कि जो कान के पास आके भुनभुनाता है बलता रहता है खूब एक मतलब ऐसे की जोड़ जाएगा है बाज़ ये जो बड़े जो अपने को कहती हैं बड़ी बड़ी होती होती नहीं इनके चैनल्स इनके मीडिया हंगामा मचा देते हैं ये हो जाएगा वो कह देंगे और इसराइल में ये ताकत है अमरीका में ये ताकत है ये है वो लेकिन ये ताकतें की जो हक़ वाली ताकत है ये बड़बड़ाती नहीं है चाहे आप इस्लामी हुकूमत ईरान को देख लें चाहे हजबुल्ला को देख लें चाहे हर्षदशा को देख लें और आज उसी तसलसल में आज फ़लस्तीन के वो मुजामती जो गिरोह और अफराद हैं उनको देख लें मुजामती तहरीक लेकिन अगर ये कुछ कहते हैं तो कैलकुलेशन करके कहते हैं और जब ये कैलकुलेशन करके कहते हैं तो दुश्मन को भी मालूम होता है कि इन्होंने कहा है जो वो कर सकते हैं और कर गुजरे, कर गुजरेंगे लिहाजा फिर दुश्मन उसके आगे होशियार हो जाता है ये हक की ताकत है कहा है तरफ इसराइल इतना बड़ा मुल्क जिसको दुनिया अलबतः ख़ुद कोई मुल्क ही नहीं है वन वन मुल्क उसको कौन तस्लीम कर सकता है गासिब है लेकिन बहरहाल दुनिया उसको सुपर पावर समझती है बहुत कुछ उसके मुकाबले वो फ़िलिस्तीनी जिनको अपने घरों से निकाल दिया गया आवादा कर दिया गया लेकिन जब अगर फ़िलिस्तीनी एक मतबा किसी चीज़ को चैलेंज कर दें तो अब इसराइलीओं को अपने उस जानज़म की हुकूमत को अपने रास्ते को बदलना पड़ा इससे बड़ी उसके लिए बे या उससे बड़ी उसकी तोहें क्या होगी उससे ज़्यादा हक़ की ताकत का मुजाहरा क्या होगा ये दुनिया के लिए इबरद भी है दावत फिक्र भी है खूब कई हफ़्तों से अपने मुल्क के हालात पर गुफ्तु नहीं हो पा रही है वक्त बहुत कम रहता है गुजर जाता है और आज भी इतना नहीं बचा है कि उस पर गुफ्तु हो लेकिन जो किसानों का आंदोलन की जो दरवाके हिंदुस्तानी आवाम का प्रोटेस्ट है कि जिसको किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है दिन दिन मज़बूत होता जा रहा है एक दुल्हानी रास्त गुजर गया कितनी बेहिस है हमारी हुकूमत कि ज़रा भी उस पर तोज् नहीं दे रही है उस मसले को हल करने की कोशिश नहीं कर रही और बहुत सारी चीज़ें हैं कि दिन बदिन हमारी हुकूमत से मुतक मसाइल सामने आ रहे हैं जिससे हुकूत की ख़ानत हुकूमत की बेगैरती बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अभी तो क्लियर हो गया कि किसी के नहीं है, किसी के नहीं है सिवाए उन मखसूस दरों दर के कि जिनके लिए इन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया है खूब इन किसी मौके पर इस पर गुफगू करने की ज़रूरत है और करेंगे इन शह लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं कि जो हकीकतों को खोल के सामने रख रही हैं किसान बरदरान के इस प्रोटेस्ट और तहरीक में सपोर्ट शिरकत जिस एतबार से भी हो यह हम सब की जिम्मेदारी है उस तहरीक को मज़बूत करना क्यों इसलिए कि दर वो वो तहरीक है कि जो इस वक्त इन हालात में जबकि हमारा मुल्क बहुत ही ज़ोर व शोर के साथ बहुत तेज़ी के साथ उसको ढकेला धक, जा रहा है धक्का दिया जा रहा है गड्ढे में ढकेला जा रहा है ऐसे हालात में हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क को बचाएँ उसकी हिफाजत करें जिसके लिए अहम मसला यह है कि इस प्रोटेस में सब लोग शरीक हो जाएँ और ये एक बड़ा प्रोटेस्ट हो कि जो मुल्क की हिफाजत का बाइस बन जाए वामक वरह वबरकु इला बह जहरा वी वाह व बनिया पालने वाले हम सब को आमाल साल की तोफ़ी नायत फरमा वालमाल कबीह से महफूज रख पालने वाले हमारे गुनाहों को बख्श दे वाले हमारे मरहूमिन को बख्श दे पढ़ने वाले सलाम व मुसलमीन के हिफाजत फरमा बाल ला दुश्मन इस्लाम को नीस्त व नाबूद कर दे वाले हमारे हमारेमा के साया हमारे सरों पर बाकी रख वाले ला रहे को तूल उम्रायत फरमा वाले हमारे इमाम के ूर में ताजील फरमा हमें उनके अवानसार में शरीक होने की तोफीक नायत फरमा रबना तकबल मिन